भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। खबर जनपद बांदा विकासखंड कमासिन के ब्लॉक सभागार में आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। यह बैठक मंडल अध्यक्ष कमासिन उमा सिंह जी की अध्यक्षता में की गई। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति जायसवाल जी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना गुप्ता जी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मंजू देवी, जिला पंचायत सदस्य कमासिन बांदा, जिला महिला मोर्चा जिला महामंत्री हेमलता वर्मा और महिला मोर्चा की सम्मानित माताएं बहनें सम्मिलित रही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए जिला महिला मोर्चा की टीम कमासिन के आसपास क्षेत्र में भ्रमण कर योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति जायसवाल के द्वारा जानकारियां दी गई। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन। कार्यक्रम किया जा रहा है कमासिन ब्लॉक में जी, इसका क्या करने का उद्देश्य? ये हमारा महिला मोर्चा का कमासिन मंडल में कार्य समिति की बैठक चल रही है। इसमें हमारा बस एक ही उद्देश्य है, 2022 विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारी फिर से सरकार आए उत्तर प्रदेश में योगी जी की, और हम लोग इसीलिए महिला मोर्चा की महिलाएं सब निकली हैं घर से और यही चाहती हैं कि हमारी मोदी जी की सरकार आए, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से आए और योगी जी की उत्तर प्रदेश में आए, यही बस हम लोगों का इरादा है। कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था? ये मेरी मेरा मंडल कार्य समिति की बैठक है, जो हमारे कमासिन मंडल में जो बहनें निवास करती हैं मुझे उनको जागरूक करना जी। हमारे राज्य सरकार की योजनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश में बैठे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका योजनाओं के लाभ लोगों को मिल सकें, हमारी बहनों को मिल सकें, हमारी बहनें पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं बहनों को कहती हूँ, क्योंकि सभी बहनें ग्रामीण क्षेत्र में ना मोबाइल चलाती हैं ना वो टीवी देखती हैं, तो उनको जागरूक करने का काम हमारा है। हम जागरूक करेंगे और हमारे महिलाएं हम उनसे बताएंगे, आगे बताएंगी, ऐसे कड़ी से बढ़ते हुए योजनाओं का लाभ हम ले सकेंगे। बस मेरा उद्देश्य यही है।